वालों से मांग के, दोस्तों से मांग के, बट अब डॉक्टर बन चुके हैं तो शर्म आती है थोड़ी सी घर वालों से भी पैसे मांगने में, क्योंकि अब डॉक्टर बनने के बाद खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, यहाँ पे रहते हैं, रेंट पे करना पड़ता है। ये बात कही जाती है कि आपको 2 दिन में 15 दिन में अलग अलग तरीके से हमें बहाने दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आपका स्टाइपेंड आ जाएगा। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए हमें खुद को बहुत खेद है कि हमारे पेशेंट्स को परेशानी होगी, हमारे एचओडीज़ को परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार है कॉलेज प्रशासन, जिसने बार बार हमारी इन मांगों को नज़रअंदाज किया। कॉलेज में किसी भी तरह की बात करने के लिए, कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए हमें 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना पड़ता है। जो भी स्टूडेंट MBBS में एडमिशन लेता है वो फर्स्ट ईयर से ही सोच के रखता है कि इंटर्नशिप में अपना स्टाइपेंड आएगा, घर वालों के लिए कुछ करेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता है और मैं यहाँ पे 8 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ। लगातार बोलने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। NOC ले लिए, उन बच्चों को भी नहीं दिया गया है स्टाइपेंड। सिर्फ 3 महीने का बोला गया है हमको कि मिलेगी आज या कल में, उसकी भी कोई गारंटी नहीं ली गई है। उसके बाद में 5 महीने का अभी भी अटका हुआ है, उसका बोल रहे 2 दिन में आएगा बिल, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी जो स्ट्राइक है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती अनिश्चितकालीन तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। 8 महीने तक आपको स्टाइपेंड नहीं मिला तो कैसे खर्चा चल रहा है आपका? घर वालों से मांग के, दोस्तों से मांग के, बट अब डॉक्टर बन चुके हैं तो शर्म आती है थोड़ी सी घर वालों से भी पैसे मांगने में, क्योंकि अब डॉक्टर बनने के बाद खुद की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, यहाँ पे रहते हैं, रेंट पे करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है। मैंने 2019 बैच से GMC बाड़मेर से अपनी MBBS किया है और फिलहाल यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी चल रही है। हमारी इंटर्नशिप को चालू हुए 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी कॉलेज की ओर से हमारे अकाउंट्स में अभी भी 1 रुपया भी नहीं आया है। कॉलेज की तरफ से बार बार यही बात कही जाती है कि आपको 2 दिन में 15 दिन में अलग अलग तरीके से हमें बहाने दिए जाते हैं, कहा जाता है कि आपका स्टाइपेंड आ जाएगा। कभी वो लोग जयपुर ट्रेजरी का नाम लेते हैं, कभी बाड़मेर ट्रेजरी का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने पिछले काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है पर कॉलेज की ओर से कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। और अब दिवाली तक की हमारी आखिरी उम्मीद थी पर कॉलेज ने उसके लिए भी हमें 25 अक्टूबर को एक ऑर्डर निकाला था जिसमें सिर्फ 3 महीने के ही स्टाइपेंड की आगे की मांग की गई है। उसके अलावा जो 5 महीने का स्टाइपेंड है उसके लिए कॉलेज की कोई जवाबदेही नहीं है। पिछले इतने वक्त से हम लोगों ने जो पूर्व यहाँ के बाड़मेर के कलेक्टर सर थे निशान जैन जी, उनको भी इस बारे में अवगत कराया था, तब तक भी बाड़मेर के अकाउंट में पैसे नहीं आए थे, इन्होंने हमसे ये कह दिया। लेकिन जब 1 अक्टूबर को यहाँ के अकाउंट्स में पैसे आ गए, राजमेस की ओर से ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉलेज ने हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। और कॉलेजेस के अंदर इंटर्न्स के लिए हॉस्टल होता है, यहाँ पे हॉस्टल भी नहीं है। कॉलेज में किसी भी तरह की बात करने के लिए, कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए हमें 10 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना पड़ता है। और हॉस्टल व्यवस्था ना होने के कारण रहने के लिए जितने भी हमारे खान पान और जो भी दैनिक जीवन से रिलेटेड खर्चे होते हैं उसके लिए अभी भी हमें हमारे घर वालों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। जो भी स्टूडेंट MBBS में एडमिशन लेता है वो फर्स्ट ईयर से ही सोच के रखता है कि इंटर्नशिप में अपना स्टाइपेंड आएगा, घर वालों के लिए कुछ करेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे, लेकिन 1 साल का जो ड्यूरेशन इंटर्नशिप का है उसमें हमारे 8.5 महीने हो चुके हैं, होने वाले हैं अगले 5 दिन के अंदर, फिर भी कॉलेज की ओर से कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा स्टाइपेंड आए और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ मांग नहीं है, हमारा हक बन चुका है, ये हमने इसके लिए काम किया है पूरी मेहनत से, कॉलेज को, हॉस्पिटल को, यहाँ के पेशेंट्स को, अपने HODs को, JRs को, सबके साथ हमने अच्छे से काम किया है और पूरी मेहनत से किया है। कुछ लोगों की ऑप्स गायनी के अंदर नाइट शिफ्ट भी रही है, बावजूद उसके जो हमने मेंटल सफरिंग हुई है, स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा है, बार बार घर वालों से कहना पड़ रहा है, बार बार उम्मीदें टूट रही हैं। दिवाली की जो आखिरी उम्मीद थी उस दिन 4 महीने का, वहाँ पर भी आया था। पाली के अंदर पूरा 1,47,000 रुपये का अमाउंट आया है हर स्टूडेंट के खाते में दिवाली वाले दिन, पर हमारे बाड़मेर कॉलेज के प्रशासन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम अब मांग करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है ये करने के लिए आना पड़ रहा है। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए हमें खुद को बहुत खेद है कि हमारे पेशेंट्स को परेशानी होगी, हमारे HODs को परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार है कॉलेज प्रशासन, जिसने बार बार हमारी इन मांगों को नज़रअंदाज किया है। डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि स्टाइपेंड आ चुका है, तो क्या वो आपके मत से नहीं आया, ऐसा है क्या है?
स्टाइपेंड आ चुका है, लेकिन हमारे हमारे जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर अभी तक भी पैसा नहीं आया है। और अन्य जगह खर्च कर दिया गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, खर्च इस बारे में आपको पता है या कुछ नहीं, पता लगाया है आपने? खर्च करने वाली कोई इस तरह की हमें कोई हमारा कहना नहीं है, खर्च करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आएगा तब तक हमें इस चीज़ से क्या मतलब है कि वो लोग इस पैसे का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर GMC बाड़मेर के अकाउंट में 1 अक्टूबर को जो राजमेस का ऑर्डर आया था उसमें आ चुका था कि सारे कॉलेजेस को उनके जितने भी इंटर्न्स हैं उनके लिए कई लाखों में पैसे आ चुके थे। फिर उसके बाद डूंगरपुर, भीलवाड़ा सारे कॉलेजेस के अंदर स्टाइपेंड आ गया और राजमेस का एकमात्र कॉलेज बचाया जहाँ पे इंटर्न्स को पर मंथ हम लोगों का अब 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। कितना पर मंथ क्या है? 21,000। और साथ में 1 जुलाई से हमारा 53% DA हो चुका है, तो उसमें ये 50% DA को मिलाकर के 21,000 है हम लोगों का, तो 1 जुलाई से वो 3% DA और बढ़ेगा, तो 21,420 का जो अमाउंट है वो हम लोगों का आना है। और ये 7 महीने का भी दिवाली से पहले तक 1,47,000 रुपये हो रहा था, लेकिन